हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। और ये हमारे चैनल एमजे फॉर अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। तो आज हमारा वीडियो नंबर 27, और इससे पहले वाली वीडियो में, मतलब वीडियो नंबर 26 में हमने क्या किया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं हम गुडविल का रिटायरमेंट के केस में, हमने वो किया था। उसके बाद हमने किया था क्या, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस या फिर जनरल रिजर्व्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मतलब हम रिजर्व्स का या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट करते हैं रिटायरमेंट के केस में। तो आपने अगर वो अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए आप वीडियो नंबर 26। तो आज हम शुरू करेंगे अपना दूसरा टॉपिक। यहाँ पे टॉपिक नंबर है हमारे पास 5, और टॉपिक नंबर 5 क्या हमें, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसको जो अमाउंट ड्यू है, जो पैसा देना है, तो उसका सेटलमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्या, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो सेटलमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं हमने, पहले मैंने लिख रखा है यहाँ पे, रिटायरिंग पार्टनर में भी पेड इन कैश, या तो हम रिटायरिंग पार्टनर को पूरा कैश में पेड कर सकते हैं जितना पैसा उसको देना है। दूसरे मैंने लिख रखा है यहाँ पे, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर मे बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एट एग्रीड इंटरेस्ट रेट। या फिर जो पैसा मैंने रिटायरमेंट वाले पार्टनर को देना है, जिसका रिटायरमेंट हो रहा है, मैं उस पैसे को कैश में ना देके मैं उसका लोन बना दूंगा फर्म में, और जो लोन होगा उस पर इंटरेस्ट रेट एग्रीमेंट हो जाएगा कि इतने परसेंट से इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद देखा है यहाँ पे सी पॉइंट, जिसमें लिख रखा है मैंने, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर मे बी पेड पार्शली इन कैश एंड पार्शली ट्रांसफरिंग टू हिज लोन अकाउंट। तो मतलब हम आधा या कुछ उसको हम कैश में पेड कर सकते हैं, या फिर कुछ पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब दोनों ऊपर के मेथड को मिला देंगे, और जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसके लिए हम इंटरेस्ट रेट एग्रीड कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे नोट लिख रखा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीमेंट में नहीं लिखा उन्होंने, मतलब एग्रीड नहीं हुआ, तो 6% पर एनम से दिया जाता है। तो क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड बिटवीन पार्टनर्स इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट रेट का जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 6% से दिया जाएगा उसको रिटायरिंग पार्टनर को। तो दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन है हमारे पास, या तो उसको कैश में पेड कर दो, या उसका लोन बना दो, या कुछ कैश में पेड कर दो, कुछ लोन बना दो। और जो लोन बनेगा उसका इंटरेस्ट पहले से ही तय हो जाएगा, अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया है तो 6% पर एनम से दिया जाएगा। तो ये वाला टॉपिक हम क्वेश्चन के साथ कैसे करेंगे, आगे हम क्वेश्चन करेंगे, वहां आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब हम करेंगे इसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे। तो सेम वही है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता था, जैसे हम एडमिशन के टाइम पे बनाते थे, और रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट या लॉस होता था, हम एडमिशन में क्या करते थे, उसको ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड इश्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, क्योंकि वो किसका प्रॉफिट या लॉस है, वो है ओल्ड पार्टनर्स का। यहां भी वही करना है आपको, रिटायरमेंट से पहले, मतलब रिटायरिंग पार्टनर भी ओल्ड पार्टनर था रिटायरमेंट से पहले, तो जो प्रॉफिट या लॉस होगा रिवैल्यूएशन पे, उसको हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशो में। तो हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, और उसके रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज, जिससे आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। यहाँ पे मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया आपके लिए। मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, ये होता है हमारा नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या है, ये हमारा नॉमिनल नेचर का है, और नॉमिनल नेचर का मतलब होता है कि इसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं, या लॉसेस या गेन्स आते हैं। तो आप कह सकते हो जो भी प्रॉफिट होगा नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो जो भी इनकम होगी या प्रॉफिट होगा वो बाई साइड में आएगा, मतलब क्रेडिट साइड में आएगा, और जो भी लॉस या एक्सपेंस होगा वो डेबिट साइड में आएगा। तो बस आपको ये देखना है कि जो असेट्स या लायबिलिटीज में चेंज हुआ है पिछली बैलेंस शीट से अब, तो उसमें उसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आपको यह देखना है कि सबसे पहले असेट के बारे में बताता हूं मैं, अगर असेट की वैल्यू अब इंक्रीज हुई है तो हमें फायदा होगा, असेट हमारी इंक्रीज हो रही है, और फायदा होगा तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। तो मैंने यहां पे लिख रखा है बाय इंक्रीज इन असेट, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। मान लो पहले थी 10,000 रुपए की बिल्डिंग हमारे पास, अब हो गई है 15,000 रुपए की बिल्डिंग, तो जो 5,000 से इंक्रीज हो गया वो कहां लिखेंगे हम, इधर क्रेडिट साइड में। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे बाय न्यू असेट, अगर हमारी कोई नई असेट बन गई जो पहले नहीं थी, तो वो भी हमारे लिए फायदे की बात है, कह सकते हो वो भी असेट इंक्रीज हो गई, वो भी बाय साइड में आएगी। अगर असेट हमारी डिक्रीज होगी, असेट अगर हमारी डिक्रीज होगी, कम होगी असेट्स की वैल्यू, तो उससे हमें क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस कहाँ आएगा,
डेबिट साइड में तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे डिक्रीजिंग असेट। अब आते हैं हम लायबिलिटी साइड में। अगर असेट की वैल्यू सॉरी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमें लॉस होगा, क्योंकि हमारा लायबिलिटी मतलब दायित्व हमारे, उधार हमारा, कर्ज हमारा वो बढ़ रहा है, तो उससे हमें क्या होगा, लॉस होगा, नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो डेबिट में आएगा। तो क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड में लिखना है आपको। अगर कोई नई लायबिलिटी बन रही है तो वो भी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, वो भी डेबिट साइड में आएगी। तो न्यू लायबिलिटी बन रही है तो डेबिट साइड में आएगी। उसके बाद अगर कह सकते हो आप कि लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो हमें फायदा होगा, क्योंकि हमारा उधार कम हो रहा है, तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। उसके बाद आपको टोटल करना है और डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस इधर आता है तो आपके लिए होगा प्रॉफिट, क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है और डिफरेंस इधर आएगा तो हो जाएगा आपके लिए लॉस, और इस लॉस को बांट देंगे हम ओल्ड रेशियो में। तो जो ये प्रॉफिट या लॉस होगा इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक ही होगा, ये दोनों नहीं हो सकते एक ही क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिख लीजिए एनी वन, तो इसमें से कोई एक होगा प्रॉफिट या लॉस में से। तो हम करेंगे इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ताकि आप अच्छे से समझ पाए इसको। क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन है हमारे पास 25 टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन बुक है हमारे पास। तो क्वेश्चन मैं रीड करता हूं क्या दे रखा है। एबीसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, बी डिसाइड टू रिटायर ऑन 31st मार्च 2016। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट सम ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयर्ड इन द बुक्स एज फॉलोस। तो हमें कुछ असेट्स या लायबिलिटीज दे रखी हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, और स्टॉक दो दो दे रखे हैं, एक रॉ मेटेरियल का, एक फिनिश्ड गुड्स का, और डेटर्स दे रखे हैं हमारे 20,000 के। उसके बाद दे रखा है कुछ हमें एडजस्टमेंट दे रखी है, और लास्ट में बोलता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ और जनरल एंट्रीज भी बनाओ। तो मैं सबसे पहले आपको क्या करते हैं यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट है आपके पास क्या, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, अप्रिशिएट मतलब इंक्रीज हो रही है 20% से, और बिल्डिंग कितनी दे रखी थी ऊपर आपको 1,00,000 रुपीज की। तो 1,00,000 का अगर आप 20% निकालेंगे तो ये आता है 20,000 रुपीज, और 20,000 रुपीज से अगर गुडविल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग, मैंने कहा था अगर असेट्स इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में आएगी, क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है हमारा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिशिएशन लग रहा है 10% से, मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है और असेट्स की वैल्यू कम होगी, तो कहां आएगा, वो आएगा डेबिट में। तो लिख सकते हो आप टू प्लांट एंड मशीनरी, और ये 10% से कम हो रही है। आप प्लांट एंड मशीनरी देखिए ऊपर कितना है, वो दे रखा है आपको 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज का आप 10% निकालेंगे 10%, तो ये आएगा आपका कितना, 4,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। कहता है डेटर्स पे 5% से डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन बनाओ, मतलब 5% से हमें लगता है कि पैसा डूब जाएगा। तो देखिए डेटर्स कितने दे रखे हैं आपके, डेटर्स कौन होते हैं, जिसे मैंने क्रेडिट सेल करी है और इससे मुझे पैसा मिलना है, तो हमारी असेट होती है, और डेटर्स दे रखे हैं आपको 20,000 रुपीज के, और कहता है 20,000 का 5% डाउट है कि हमें डूब जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका मतलब यही होता है। तो 20,000 का अगर आप 5% निकालेंगे तो ये आता है कितना, 1,000 रुपीज, और 1,000 का डाउटफुल डेट है, तो मतलब एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या असेट कम हो रही है। तो लिख लीजिए यहाँ पे इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो 1,000 का प्रोविजन आ जाता है यहाँ पे, और किसका निकाला है मैंने, डेटर्स का 5%। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट डी कहता है स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल टू बी वैल्यूड एट 18,000 एंड फिनिश गुड्स एट 35,000। तो रॉ मेटेरियल का स्टॉक देखिए आप ऊपर कितना है हमारे पास, 20,000 रुपीज का, और उसकी वैल्यू कहता है 18,000 हो गई है। तो स्टॉक हमारा असेट होता है और असेट की वैल्यू 20 से 18 हो गई, तो मतलब हमें लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो कहां आएगा, डेबिट में। तो स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल तो कितने से कम हो रहा है, ये हो रहा है 2,000 से कम हो गया, हमने डेबिट में लिख दिया इसको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है फिनिश गुड्स का स्टॉक 35,000 हो गया, और पहले कितना था 30,000 का, तो फिनिश गुड्स का स्टॉक इंक्रीज हो गया 5,000 से, स्टॉक इंक्रीज होगा तो हमें फायदा होगा, और फायदा होगा तो बाय में आएगा स्टॉक,
कितने का फायदा होता है यहाँ पे 5,000 rupees का। इसके बाद हम बनाएंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वॉज सोल्ड फॉर 2,000 एज स्क्रैप। कहता है एक ओल्ड कंप्यूटर था जो हमने राइट ऑफ कर रखा था बुक्स में से, मतलब बुक्स में दिखा ही नहीं रखा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज वो स्क्रैप में बेच दिया हमने 2,000 रुपए में। स्क्रैप मतलब कबाड़ में, 2,000 रुपए में बेच दिया, कबाड़ी वाला ले गया भाई 2,000 रुपए में, तो भाई फायदा हो गया, एक असेट बिक गई हमारी 2,000 रुपए में, तो बाय कंप्यूटर एक नई असेट बिक जाती है हमारी 2,000 रुपए में, तो हमने 2,000 रुपए लिख दिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या फॉर्म है टू पे 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉई। तो कहता है 5,000 रुपए हमें एम्प्लॉई को पेड करने पड़ रहे हैं, मतलब एक नई लाइबिलिटी आ रही है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो कंपनसेशन पे टू एम्प्लॉई, एक नई लाइबिलिटी बन जाती है यहाँ पे। तो कितने का कंपनसेशन पेबल है यहाँ पे 5,000 रुपीज का। तो मैंने सारी असेट्स या लाइबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद क्या करना है आपको, टोटल करना और चेक करना है कि हमें प्रॉफिट है या लॉस है, तो कर लीजिए यहाँ पे टोटल। तो ये टोटल आता है आपका कितना 27,000, और इधर का टोटल करेंगे तो वो कितना आ रहा है आपका 5 and 7 and 12, तो 12,000 माइनस कर दीजिए आप 27 में से, तो ये कितना आ जाता है आपका 15,000 rupees। तो हमें प्रॉफिट हो जाता है 15,000 rupees का। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए ओल्ड रेशो में, और ओल्ड पार्ट में थे हमारे ए बी एंड सी, तो इन 6,000, 6,000 and 3,000, तो ये बन जाता है आपका रिवेल्युएशन अकाउंट। इसके बाद हमें कुछ जर्नल एंट्रीज बनानी थी, तो अब बनाते हैं हम यहाँ पे क्या जर्नल एंट्रीज। तो कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज बनेगी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आ रहा था हमारा क्या, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, मतलब बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, अगर बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बिल्डिंग कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा, तो एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवेल्युएशन अकाउंट, क्योंकि असेट्स बिल्डिंग का नेचर डेबिट होता है, और बिल्डिंग इंक्रीज करेंगे तो डेबिट में आ जाएगा, तो 20,000 से बिल्डिंग को हमने डेबिट में लिख दिया और रिवेल्युएशन अकाउंट क्रेडिट में आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट था आपके पास प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 10% से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी कम हो रही है तो क्रेडिट में आ गई प्लांट एंड मशीनरी, और कितने से कम हुई थी आपकी 4,000 rupees से, मतलब 10% निकाला था हमने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का। उसके बाद दे रखा है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट, मतलब प्रोविजन बनाना हमें 5% से, तो कितने का प्रोविजन बनाया था हमने 1,000 rupees का। तो इसके आप दो एंट्री बना सकते हैं, क्या क्या, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड था, अब हम बना रहे हैं सी पार्ट, तो इसका दो एंट्री बना सकते हैं। पहला बनाइए आप जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने बनाया उसको डेटर से कम कर लीजिए, तो क्या एंट्री बन जाएगी यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे यहाँ पे, और कितने से कम हो जाएंगे 1,000 rupees से। और इसके बाद क्या करेंगे आप, इस प्रोविजन को ट्रांसफर कर दीजिए रिवेल्युएशन अकाउंट में, तो रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट, कितने से बन गए 1,000 rupees से, ये बना लिया मैंने यहाँ पे, और सी पार्ट की मैंने दो एंट्री बना ली यहाँ पे। उसके बाद आते हैं अपने डी पार्ट पे, स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल टू बी वैल्यूड 18,000, तो रॉ मेटेरियल का स्टॉक हमारा कम हो गया था, तो एंट्री बनाइए क्या रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो असेट्स जाएगी क्रेडिट में और रिवेल्युएशन आ जाएगा डेबिट में, तो स्टॉक कौन सा रॉ मेटेरियल का, तो कितने से कम हो गया थे 2,000 rupees, और जो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक था वो इंक्रीज हो गया था, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक इंक्रीज हो गया था 5,000 से, तो वो आ जाएगा डेबिट में, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कौन सा है फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट डेबिट टू रिवेल्युएशन अकाउंट, तो ये कितने से इंक्रीज हुआ था आपका 5,000 rupees से। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड फॉर 2,000 एज स्क्रैप, तो स्कूटर की सॉरी कंप्यूटर की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, एक नई असेट्स क्रिएट हो गई कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, तो न्यू असेट बनेगी तो डेबिट में आएगी,
टू में क्या आ जाएगा आपका, टू में आ जाएगा रिवेल्यूएशन अकाउंट। तो ये बना दिया मैंने, कितने से आता हमारा कंप्यूटर 2000 रुपीज, तो 2000 रुपीज से ये बना दिया मैंने, कंप्यूटर की वैल्यू आ जाती है इसमें। इसके बाद बनाएंगे हम अपना नेक्स्ट, क्या देता फॉर्म हैड टू पे 5000 टू इंजर्ड एम्प्लॉई, तो मैंने कंपनसेशन पेड किया है एम्प्लॉई को, तो क्या एंट्री बनेगी, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है यहाँ पे, तो रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंपनसेशन पेबल, किसको पेबल है, टू वर्कमैन, लिख सकते हो यहाँ पे वर्कमैन को, तो कितने रुपए का कंपनसेशन पेबल है आपका ये 5000 रुपीस का। तो सारी एंट्री हमने यहाँ पे बना ली। इसके बाद एक एंट्री लास्ट में और बना सकते हैं आप, कौन सी, जो प्रॉफिट हुआ था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो क्या एंट्री बनाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो प्रॉफिट को डेबिट में लिखिए, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं अगर इनकी कैपिटल फिक्स्ड हो। तो कितना प्रॉफिट हुआ था 15000 का, और मैंने कैसे बांटा था 6000 6000 एंड 3000, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे 15000 का प्रॉफिट, 6000 6000 एंड 3000, तो बन जाती है यहाँ पे इस क्वेश्चन की आपकी जनरल एंट्रीज और रिवेल्यूएशन अकाउंट। तो इसके बाद हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आज का वीडियो हम करेंगे यहीं पे खत्म। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं आपको आंसर जो मैंने लास्ट वीडियो में से आपसे पूछा था। तो हमने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, गिव फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग गेनिंग रेशियो, तो बहुत ही क्वेश्चन था, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बताना था आपको, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, मतलब हम क्या करते हैं गेनिंग रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पार्टनर के न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर दो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो इसका आंसर बहुत इजी था और ये आपको पता ही है। और अब आज का क्वेश्चन आपके लिए वो भी इजी है, क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे, गिव टू सर्कमस्टेंसेस व्हेन गेनिंग रेशियो मे बी अप्लाइड, मतलब कोई दो सिचुएशंस बतानी है जब हम गेनिंग रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको आंसर पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।